थैंक यू इमरान सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सर का, साथ में हमारे प्रिंसिपल सर हैं, चेयरमैन सर हैं, तो बाकी भी स्टाफ मेंबर जो यहाँ पर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुभम सर जो है अब हमसे अलविदा होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जितना करीब वो मुझसे और इमरान सर के साथ थे, जितना करीब शुभम सर उतना आपके साथ नहीं थे, लेकिन आपके साथ एज अ टीचर थे और हमारे साथ एज अ फ्रेंड भी थे। तो आप देखो कि इनको भी घर में जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनको भी जॉब्स वगैरह की है, नीड है, तो अब हमेशा तो ये यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन इनकी जो यादें हैं, इनकी जो मोमेंट्स हैं, वो हमारे दिल में हमेशा अलाए हुए हैं। तो मैंने जो दो तीन इशार शुभम सर के लिए लिखे हैं, लिखे नहीं हैं एक्चुअली, मैंने डाउनलोड कर दिए हैं, तो उतना टाइम ही नहीं मिला लिखने के लिए, तो अगर कोई किसी तरह की मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ। आगे सुनो ना, घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्तों को अब बदलना लाजमी ठहरा, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा, किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी है, यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी है, कहीं जज्बात में जाजिबे खुदा हाफिज ना कह देना, तकाजा है ये मजलिस का संभालना लाजमी है। तो मैं टाइम की भी किल्लत है तो इसके आगे मैं बढ़ना भी चाहता हूँ, तो मैं शुरू से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो मोमेंट्स हैं, वो हमारे दिल में अभी भी अलाइव हैं, तो थैंक यू।